हाय गाइस, आज हम लाए हैं पोटा कलेजी। ये है पोटा कलेजी। ये भी एक चिकन का पार्ट है जो मुझे बहुत पसंद है। शायद आप लोगों ने भी खाया होगा, और जिन जिन लोगों ने खाया होगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसे लगता है। अभी हमने इसको वॉश किया है, जैसे कि अभी हम इसे वॉश कर रहे हैं। देखिए, ये वॉश कर दिया और ये इसका पार्ट है। इसमें पोटा और कलेजी है। गाइस, अब अपने प्याज काट लिए हैं। प्याज काटने के बाद इसमें हमने एक मशीन में डाल लिए हैं, और इसमें गरम मसाला, खड़ा मसाला डाल दिया है, दालचीनी डाल दी है, और हमने कढ़ाई पे तेल डाल दिया है ताकि तेल जल्दी से गर्म हो जाए, और इसमें तेज पत्ता डाला हुआ है, ये तेज पत्ता है, और इसमें फिर से हमने डाला है लाल मिर्च साबुत, जिससे खा के बहुत मज़ा आएगा, चटपटा बनेगा, मज़ा आएगा खा के। और ये हमने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाए। और ये हमने बना लिए मसाला। इसमें हमने सारे खड़े मसाले और लाल मिर्च डाल के ये मसाला बन चुका है। डाल देना। अब जा। और ये हो गया हमारा ब्राउन प्याज। अब हम इसमें डालेंगे पोटा कलेजी। ये हमारे हैं पोटा कलेजी। और ये 1 किलो, और ये पोटा कलेजी हम लाए थे 1 किलो, ये मैं बताना भूल गया आप लोगों को, और 1/2 किलो प्याज। तो ये अब हम इसको इसमें फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। यह है, ये हो गया है अब ब्राउन। अब हम डालेंगे इसमें मसाला। ये डल चुका है मसाला। अब डालेंगे इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर स्वाद के लिए। अब डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच। कट कर देंगे। और ये हमारा हल्दी, ताकि कलर खिलके आए। अब डालेंगे इसमें हम नमक स्वाद अनुसार। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे फ्राई करके, ताकि ये अपना कलर पे ले ले। अब इसको हम थोड़ा हिलाएंगे ताकि सारे मसाला इसमें मैश हो जाए, और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, और उसके बाद हमारा पोटा कलेजी रेडी हो जाएगा।